गोपालगंज में पुलिस कर्मियों की तरफ से एक दिवसीय टियर गैस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण शिविर नगर थाना के बसडीला गांव के समीप खुले मैदान में किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में जिले के अलग अलग यूनिट के पुलिस कर्मियों और अधिकारियों ने टियर गैस का प्रशिक्षण लिया। वहीं SP अवधेश दीक्षित ने बताया कि गोपालगंज जिले के अलग अलग इकाइयों में जैसे पुलिस स्टेशन और अनुमंडल के पुलिस कर्मियों की तरफ से टियर गैस टीम का गठन किया गया और जिले के सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के द्वारा टियर गैस का प्रशिक्षण कराया गया ताकि किसी भी लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में या सांप्रदायिक तनाव के सिचुएशन में टियर गैस का इस्तेमाल करना पड़े तो टीम तैयार रहे। हम लोग के द्वारा गोपालगंज जिले में अलग अलग इकाइयों में जैसे कि पुलिस स्टेशन में और अनुमंडल स्तरीय टियर गैस टीम का गठन किया गया है और इनकी आज यहाँ पे प्रैक्टिस कराई गई है, जिसमें सभी वरीय पदाधिकारी और जो भी टियर गैस जो प्रभारी रहेंगे वो सब आज यहाँ पर अलग से प्रैक्टिस किए हैं और हम लोग इसको आगे भी जारी रखेंगे ताकि किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में या फिर किसी भी सांप्रदायिक तनाव की सिचुएशन में जहाँ पे क्राउड मोबिलाइजेशन हो और जहाँ पर हम लोगों को टियर गैस का यूज़ करना पड़े तो हम लोग की टीम उस चीज़ के लिए तैयार रहे और इसे हम आगे भी जारी रखेंगे। जिला कांग्रेस सभागार में 21 सूत्री मांगों को लेकर बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ ने एक दिवसीय धरना दिया। मांगे पूरी नहीं किए जाने पर उन्होंने 15 अक्टूबर को पटना के गर्दनी बाग में सरकार के खिलाफ खड़ा होने की बात कही।